दो तीन दिन तो कोई पशु वो लात मारेगा जी जी, क्योंकि ये डेली थोड़ी भी आती है, पहली बार भी आई है, इसको डर लग रहा है क्या कर रहा है जी जी, ऐसे डर लग रहा है जी, बहुत बढ़िया, इसको पता नहीं। हम हमारी गाय है तो हम ना ही तो उसको किकर को बांधते ना कोई खूंटे के बांधते जी जी जी, ऐसे बांधते हैं, यहाँ बच्चा बांध देते हैं जी जी जी, तो ऐसे इनको आदत पड़ जाती है जी जी, हम इनके लेना नहीं लगाते जी जी, जितनी लात मारती है अपने आप रुक जाती है जी जी, यार ये हमारे खूंटे पे दूध देगी या ना देगी, कैसी है, दूध नहीं देती है जी जी जी, ये कोई खास बात नहीं है जी, वो अपने जैसे घर में बांध देते हैं, कोई मोरखा डाल देते हैं जी जी, कब्बू करते हैं लाते बांधते हैं, ऐसा काम नहीं करते जी जी जी, हम इसको आराम से दूते हैं, आराम से जितना इसको तंग करेंगे ना उतनी खराब होगी। अच्छा। सभी दोस्तों को जय गो माता की, मैं हूँ राज और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं हम गौवंश को कई बार टाइम नहीं दे पाते, गोपालन करते हैं तो इसलिए जो फर्स्ट टाइमर बछिया होती है वो कई बार लात मारती है फर्स्ट टाइम जब दूध निकालते हैं, तो ये समस्या कहीं ना कहीं जो नए गोपालक है उनके अंदर देखने को मिली। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे, हमारे साथ जो ग्वाले हैं कुछ और इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो गौ माता लात मारती है वो क्यों मारती है, किस लिए मारती है और किस प्रकार से नहीं मारेगी, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो जय गौ माता की भाई साहब। जय गौ माता की भाई साहब। अच्छा जी, पहले तो अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सुनील है। ठीक है जी, ठीक है। तो अच्छा, ये जो गौ माता है फर्स्ट टाइमर होती है जो लात मारती है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे हम, जो पहले बच्ची भी आ गई है, दूध भी आने वाली है जी जी, तो उसको हम जैसे आदत डालेंगे वैसे डल जाएगी जी जी जी। तो जैसे ये बच्ची है जी, ये भी आने वाली है जी जी, इसको हम आगे से पकड़ेंगे तो जैसे हम रोज पकड़ेंगे तो वैसे रुकने लगेगी जी जी जी, जिसको आगे से ना पकड़ेंगे जी जी, हाथ ऐसे लगाए रखेंगे तो अपने आप रुकने लगेगी जी जी, आदत डालेंगे वैसे डल जाएगी जी जी जी। तो हम इसके नैना डालेंगे या कोई रस्सी बांधेंगे जी, कोई जरूरी नहीं होता है जी जी, पहले बच्ची को बांधने के लिए जी जी जी, ये दो तीन दिन तो कोई पशु वो लात मारेगा जी जी, क्योंकि ये डेली थोड़ी भी आती है, पहली बार भी आई है, इसको डर लग रहा है क्या कर रहा है जी जी, ऐसे डर लग रहा है जी, बहुत बढ़िया, इसको पता नहीं लगता कि भाई ये क्या कर रहा है जी जी। तो इसको दो तीन दिन हम ऐसे दूंगे, चाहिए लात मारे, चाहिए हमारा मुंह फोड़े, चाहिए लात तोड़े, कुछ करे, अच्छा जी, ऐसे दूना पड़ेगा इसको। अच्छा जी। और आगे से नहीं पकड़ना, जब हम हमारी गाय है तो हम ना ही तो उसको किकर को बांधते ना कोई खूंटे के बांधते जी जी जी, ऐसे बांधते हैं, यहाँ बच्चा बांध देते हैं जी जी जी, तो ऐसे इनको आदत पड़ जाती है जी जी, हम इनके लेना नहीं लगाते जी जी, जितनी लात मारती है अपने आप रुक जाती है जी जी, हम इसके हाथ लगाएंगे, ऐसे हाथ लगाने लगेंगे अपने आप दूने लगेंगे जी जी, इसको हम कम से कम दो तीन दिन दूंगे ना, लात मारती नहीं है जी जी, इसको आदत पड़ जाती है। तो लगभग कितने दिन में सेट हो जाती है गाय? कम से कम 5 दिन में सेट हो जाती है। 5 दिन बाद दिन में ठीक है, उसको तंग करेंगे ना, तंग करने से कुछ नहीं होता जी जी, आराम से करेंगे ना जी जी, तो अपने आप सेट हो जाएगी, उसको अच्छा पता है कि मेरे को दूएगा जी जी, तो ये अपने आप रुकने लगी है जी जी। ऐसे क्या कुछ ट्रिक है जो आप जो यूज करते हो गौ माता के ऊपर पहली बार दूध निकालते हो? तो पहली बार निकालते हैं जी, तो पहली बार निकालते हैं तो सर हम इनके लिए कुछ दाना मिलाते हैं जी, जैसे खल होगी, बनोरा होगी, फीड होगी, ऐसी चीजें जी जी, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित हो जाता है गौ माता। ठीक है, तो हम इसको ना ही तो तूड़ी में लड़ाते हैं जी, तूड़ी में नहीं लड़ाते हम जी जी, तो हम कुछ सीधा बटन में रख देंगे पहले जी, जितना इसको देना है उतना बटन में बह के छोड़ देंगे जी जी, बह के छोड़ देंगे, तो पहले इसको दाना खिलाएंगे जी, जो बच्चा अंदर होगा बाले के अंदर हो या बांधा हो जी जी, वो अलग होगा बच्चा दूसरे बाले में जी जी, इसके नीचे बच्चा छोड़ेंगे जी, बच्चा छोड़ दिया जी, फिर बच्चा वो इसके नीचे चुंगेगा, वो ये गाय पहुंच जाएगी जी जी, पहुंच जाएगी तो फिर अगले पैर के बांध देंगे हम जी जी, इसके ना ही खूंटे के नहीं बांधते बच्चा हम जी जी, हम बांधते हैं पैर के जी, पैर के बांधेंगे अपने आप रुक जाएगी जी, बच्चे चाटने लगेगी फिर पहुंचने लगेगी। तो पांव के बांधने का क्या कारण है, क्यों बांधते पांव को? क्यों, हमारी जो गाय है तो इसलिए रुकती है। अच्छा, जैसे हम बच्चे को बांध दिया कुछ खूंटे के, तो गौ माता सोचती है कि लात ना लग जाए बच्चे को, चोट ना लग जाए, तो इसलिए हिलती नहीं है। अच्छा जी, नहीं बच्चा नीचे आता तो हिलती नहीं है गौ माता। ठीक है जी, ठीक है। जैसे बच्चा इसके आगे सीधा खड़ा है जी, तो जी खड़ा है, ये नहीं हिलेगी, पैर ही नहीं हिलाएगी जी जी, बच्चा थोड़ा आगे पीछे होगा ना जी जी, हिलेगी नहीं। अच्छा जी, इसको आदत पड़ जाती है जी जी, जब ऐसे ये ब्याह गई जी, ब्याह के सीधे हाथ पे रख लेंगे ना, मैं ऐसे हाथ चटा देंगे जी जी, ये पहुंच जाएगी। अच्छा जी, हाथ से पहुंच जाती है। अच्छा जी, जैसे हम यहाँ पे किसी गाय को आज लगेंगे जी, वो इधर देखो, लीला 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 लीला, ऐसे नाम है इसका जी जी, जी जी, ये देख सकते हो नाम लेते ही गौ माता, ऐसे नाम लेते हैं तो आ जाती है। अच्छा जी, तो ये क्या कुछ कारण है, जो इसे कैसे पढ़ाते हो या क्या कुछ है, ट्रेनिंग होती है गौ माता की? चलो ये आ चुकी है, नाम लेते ही देख सकते, ये क्या कुछ ट्रिक रहती है जो आप नाम लेते ही आ जाती है गौ माता, इसके बारे में और बताइए। इसके बारे में ये है कि हम जब भी इनको लेते हैं तो टोर के नहीं लेते जी जी,
या थोड़े सी कुछ दाने डाल दिए या कुछ कुछ हरा खुआ दिया जी, कुछ रोटी दे दी, कुछ दाना डाल दिया, इसलिए ये हिल जाती है जी, या जी। इसको पता लग जाता है कि मेरा नाम ले रहा है। अच्छा जी, अच्छा, जो इसका नाम होगा वो जिसका नाम लेंगे, इतनी गाय 400 गाय है, जिसका नाम लेंगे वही गाय आएगी। अच्छा, दूसरी गाय नहीं उठेगी यहाँ से। जी जी जी, ऐसे जिसका नाम इसको पता है, जैसे इंसान को पता था ये मेरा नाम लेता है। जी जी जी, जब वो कितने आदमी हो तो वो ही खड़ा होगा जी जी, क्या कह रहा है, ऐसी यही खड़ी होती है, दूसरी गाय नहीं खड़ी होगी, इसको पता है कि मेरा नाम ले रहा है। जी जी, तो कई गौपालक जो फर्स्ट टाइमर बछिया रखते हैं तो वो दो एक दो दिन देखते हैं और लात मारती है फिर उसको छोड़ देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? वो तो ऐसे एक आधी गाय रखते हैं, वो तो ऐसे सोचता है कि चल छोड़े इसको, गौशाले में छोड़ देंगे, दूध मोल लेके आ जाएंगे। जी जी, हम ऐसे नहीं करते हैं। जी जी, हम ऐसे करेंगे, उसको टिका लेंगे। जी जी, कुछ नहीं करेंगे हम। जी जी, उसके हाथ फेरेंगे और ऐसे हाथ फेरे रखेंगे जी, तो वो दो तीन दिन में सेट हो जाएगी। दो तीन दिन में ऐसे तो कोई पशु हो पास तो कोई नहीं लगने देगा। जी जी, कौन सा भी हो। जी जी, तो उसकी मेहनत होती है। अच्छा, मेहनत करनी पड़ती जी है। जी जी, दो तीन दिन हम पास उसके रखेंगे ना। जी, वो अपने आप रुक जाती है। जी जी, हिलती नहीं है फिर। जी जी, फिर ठीक से दूध देने लग जाती है 5 दिन बाद। अकेला आदमी दूध सकता है उसको। जी जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया ठीक है जी। ये हमारी राजस्थान की गाय की खासियत। जी जी जी, इसीलिए राठी गाय बोलते हैं, इसीलिए कि क्यों हिलती नहीं है। जी जी, लोग ऐसे डरते हैं कि यार ये हमारे खूंटे पे दूध देगी या ना देगी, कैसी है, दूध नहीं देती है। जी जी जी, ये कोई खास बात नहीं है। जी, वो अपने जैसे घर में काम इसका रखते वैसे रहेगी। जी जी, जैसे हम पालेंगे ना वैसे पलेगी। जी जी जी, ऐसी बात है। ये आगे से कान पकड़ भी कर भी दूध निकाल लेते हो, वो क्या कुछ है? कान में तो इन को आदत पड़े कि अब मेरा कान पकड़ लिया, ये को कान से थोड़ी रुकती है। जी जी जी, तो खींचने से थोड़ी रुकती है। अच्छा, गाय में हमसे भी जोर ज्यादा होता है। आहा, है? आहा, ये तो ये ऐसी आदत होती है कि यार मेरे पास आ गया, जी अब जी रुक जाना चाहिए। डरती है, थोड़ा सा भय मानती है मालिक से। मालिक से मानती है जी मैं भी रखता हूँ गौ माता, तो अपने जो स्वामी हमारी गाय में ऐसे जैसे ऐसे मस्ती का हाथ लगा दिया तो कोई दूध निकाल लेते नहीं। अच्छा जी, अपने आप रुक जाती है। अच्छा जी, अच्छा, ऐसी होती है। अच्छा। और पीछे भागने से काबू पकड़ने से दूध थोड़ी निकाला जाता है। जी जी जी, अपने आप रुकती है। कई जो लठ मारते हैं, लठ मारते हैं, कोई आगे से बांध देते हैं, कोई मोरखा डाल देते हैं। जी जी, उसको काबू करते हैं, लाते बांधते हैं, हमेशा काम नहीं करते। जी जी जी, हम इसको आराम से दूते हैं, आराम से। जितना इसको तंग करेंगे ना उतनी खराब होगी। अच्छा, तंग नहीं करना चाहिए गाय को। ठीक है, पहलन हो चाहे दूजन हो, कोई कितने कौन से सुबह परेशान नहीं करना, परेशान नहीं करना चाहिए, आराम से आप दूध देगी। जी जी, हिलती नहीं। दूध कहाँ पर लेके जाएगी? दूध तो देना ही होगा, एक टाइम नहीं तो दूसरी टाइम देगी। ठीक है, करने से नहीं देगी। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत। जैसे यहाँ के बंदे है जो भैंस हो या गाय कोई हो, पहले उसको तूड़ी के अंदर लगा के ये दाना दूना दे देते हैं, फाड़ दे देते हैं, खड़ दे देते हैं। जी जी, वैसे पहुँचते नहीं। जी जी, जैसे हम 10 मिनट पहले दे दिया जी, वो अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि उसकी वो ठाण पे झाक नहीं रहेगी। जी जी जी, कई दंग वहाँ पे आस रखते कि यार पहले हमें दाना खुआ देता तो अच्छा होता। जी जी जी, वो कोई खुआते नहीं है। जी जी, वो दूने के बाद खुआते है, वैसे नहीं होता। 10 मिनट पहले खुआ दिया अलग से, जी फिर जी वो अपने आप रुक जाएगी, क्योंकि उसकी आत्मा पूरी हो जाती है, तमन्ना पूरी हो जाती है कि अब मैंने खा लिया, अब ये दूध निकालेगा, निकालना। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो कितने गौवंश है अपने पास? हमारे पास है जी 400 गाय। तो इनमें से भी कोई शरारती भी होती होगी? और शरारती तो होती है, शरारती गाय नहीं होती, बच्ची होती है छोटी, जो हम हर किसी के पास नहीं लगते, ना किसी के रस्सी डालते, ना किसी के सांकल डालते हैं। जी जी जी, इसीलिए शरारती होती है। जी और जी, कुछ दिन उसके भी ऐसे हाथ लगेंगे तो वो अपने आप रुकने लगेगी। जी जी जी, क्यों इनके पास बंदे कम रहते हैं। जी, घर में तो हर कोई आ गया, कोई पास में खड़ा है, बांधी हुई तो माचा डाल लिया वहाँ पे, कोई हर कोई बैठ गया। जी जी, वैसे हिलती नहीं है। और हमारी गाय रहती है खुली, इसके हम इसके रस्सी डाल लेंगे तो ये चलेगी नहीं, पड़ जाएगी। अच्छा, गिर अच्छा, जाएगी, खड़ी अच्छा, नहीं होगी। अच्छा, पूरा पेल कर लेगी। अच्छा जी, अच्छा, उठती नहीं है। अच्छा, हम ऐसे ले जाएंगे, टोर के ले जाएंगे। जी जी, कुछ नहीं, रस्सी नहीं डालेंगे ना कुछ नहीं, कहीं पे ले जाओ, कहीं पे ले जाओ। ठीक है जी, ठीक है, बांधने से नहीं चलती है। ठीक है जी, ठीक है, आदत नहीं होती इनको। ठीक है जी, तो कितनी दूध उत्पादन क्षमता वाली गाय है ज्यादा से ज्यादा अपने पास? हमारे पास है दोनों टाइम 20 लीटर दूध हो जाता है, 20 लीटर तक। अच्छा जी, दोनों टाइम का। अच्छा जी, अच्छा, तो कैसे ब्रीडिंग पे काम करते हो आप? अच्छे काफ तैयार करते हो, एक ही नस्ल पे काम करते हो या कितनी नस्लों पे काम करते हो आप? कौन कौन सी नस्लें अपने पास? हमारे पास है एक तो राठी है। ठीक है जी, ठीक है, साई वाला है। ठीक है, दो नस्लों पे, दो ही नस्लों पे काम करते हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, कोई नस्ल है। ठीक है जी, ठीक है, तो और क्या संदेश देना चाहते हो? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि अगर गाय दूध दे या ना दे, जी ठीक है, रक्षा पूरी होनी चाहिए उसकी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, अच्छा रखना चाहिए गाय को। ठीक है, जैसे हमने दूध देना हट गई उसको छोड़ दिया, ठीक है, काम की बात नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, उसको कुछ भी हो चाहे उसको रखना चाहिए पास। हाँ, गौमूत्र गोबर भी हमारे यहाँ जो गाय हो जाती है बुढ़ी हो जाती है। ठीक है जी, और दूध देना हट जाती है कुछ भी, अब ये गाय साध नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ये कभी नहीं ब्याती। ठीक है जी, ये ब्याने वाली नहीं है। अच्छा, कभी नहीं ब्याती।
अच्छा जी। पर हमारी गाय की शान है, ठीक है जी। इतनी गाय को छोड़ के कहाँ जाएगी, ठीक है जी, गाय नहीं जा सकती है, ठीक है जी। इतनी गायों का हमें भार नहीं है, इसका क्या भार है, ठीक ठीक है जी। ये ना ब्याने वाली है, कभी नहीं ब्याती, साधनी है, फकीर नहीं है। अच्छा जी, अच्छा। तो ये ऐसी फिरती है। साधनी का मतलब क्या? साधनी ये मतलब होती है जैसे वो ब्याती नहीं है कभी। अच्छा अच्छा जी। तो कोई साधनी कह देते हैं, स्टार्टिंग से ही नहीं ब्याई या कभी नहीं ब्याई? स्टार्टिंग से नहीं भाई। अच्छा जी, फिर भी रखते हो? फिर भी रखते हैं। क्यों रखते हो फिर आप इसको? यूं रखते हैं कि ये इनकी शान है, जो जी ये है इसकी खातिर ये काम चलता है। ठीक ठीक है जी, ये शान है इनकी। अच्छा जी, अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा जी, क्यों? गाय है, गाय है सर। क्या हो गया ये जो ब्याने वाली नहीं है तो? ठीक है, तो गाय है, ठीक, इसको छोड़ देंगे फिर क्या? ठीक है जी। कोई ट्रीटमेंट करवाया था या क्या? कुछ कुछ नहीं करवाया हमने। अच्छा जी, कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं करवाया, स्टार्टिंग से बच्चा दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। अच्छा, कितने साल की होगी ये? है 8 साल की। 8 साल की होगी। अच्छा जी, कई लोग गौ माता को भार समझते हैं, रखते नहीं है, दूध नहीं देती तो गौशाला में छोड़ देते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हो? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई ठीक है, गाय रखता है अगर उसके 5 किलो दूध देते तो कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है। अगर दूध नहीं है तो वो बाहर निकाल देगा, फिर वो कहेगा मेरी है ही नहीं यार, ये किसी और की है। ठीक ठीक, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं, अपनी आत्मा में होना चाहिए। ठीक है, गऊ है, ठीक है। तो मैं किसी को कह दूंगी यार गा तेरी है तो ऐसे कोई नहीं कहेगा ये मेरी है। ठीक है जी, अपनी आत्मा में होनी चाहिए कि ये गा हमारी है, किसी की हो चाहिए गा, किसी की हो। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं है कि तेरी है कि मेरी है, किसी की जरूरी नहीं है जी। गौ माता, गौ माता सब के लिए प्रति भावना होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, सबके लिए एक ही है ये गौ। ठीक ठीक है जी। अब जो कहता है कि तुम इतने पैसे कमाते हो, ठीक है जी, ये इतने पैसे कमाते, तुम तो बेच देते हो, तुम तो दूध बेचते हो, हमारे लिए थोड़ी करते हो, हम किसी के लिए नहीं करते, ठीक है हमारे लिए करते हैं। ठीक है जी, पर ये हमारा पेट भरते हैं, हम इनका पेट भरते हैं। ठीक, पर ये तो सोचना चाहिए दुनिया वाले को या सरकार चाहे कुछ भी हो, ठीक, ये सोचना चाहिए कि गऊ है, ठीक, कोई कुछ भी करे हम चाहे कितने बुरे हैं, ठीक, ये तो गऊ है ना। ठीक है जी, ठीक, चराते इनके लिए तो फिरते हमें। ठीक है जी, किसी के खेत में बांट दी या किसी के घर के आगे चल रही है, ठीक, सड़कों पे चल रही है, तो लोग मुझे ये कहेंगे कि यहाँ क्यों ले फिर रहे, ठीक है जी, इनको साइड में लगा। ठीक, वो ये नहीं सोचते कि गऊ है जो हम रोटी खा रहे हैं, ठीक है, हमें हमारे आगे से कोई थाली हटाएगा कितना बुरा लगता है। ठीक ठीक, उतना बुरा इनको लगता है। ठीक है जी, हमको गाली दे तो हमके सेट बैठ जाती है, ठीक, हमको बुरा नहीं लगता कि हमके गाली क्यों दे रहे हैं, हमें पता है कि हमारा काम ऐसा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो भूमि जिसके नाम है वो गौ माता है, गोचर भूमि सबसे ज्यादा भूमि गौ माता के पास है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, कुछ राजनीतिक चीजें भी बन चुके हैं, किसी के ऊपर हॉस्पिटल बन चुके हैं, किसी के ऊपर कुछ बन चुका है, किसी के ऊपर कुछ बन चुका है, लेकिन जो गौ माता की जो गोचर भूमि है वो लोगों ने अपने कब्जे कर रखी है, कब्जा कर ली है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ऐसे इनका तो नाम ना मैं, ये गौचर है, ठीक है, गौ भूमि है, कुछ नहीं है, ठीक, इनके लिए कौन जगह दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, लोग इतने दिन जमीन के लिए लड़ रहे हैं, इनके लिए कौन दे रहा है? इनके लिए कहते हैं, लोग कहते थे कि ये गौ है, सिर्फ नाम के गौ है, ठीक है जी, कोई अपना नहीं, ठीक है जी। और इनके लिए अच्छा गौ है, लोग हम कहेंगे भाई साहब यार इसको चरने दे, इस खेत में भूख मर रही है चरने दे, वो कहेंगे नहीं निकाल बाहर, तो हम कहेंगे गऊ है भाई साहब, वो कहते छोड़ इसको, गऊ गऊ है तो और बहुत है, गऊ देखिए गऊ, तो यार कौन सा पुण्य है? अच्छा हम मुसलमान है, हम मुसलमान है, अच्छा जी, तो इनका चराते हम, जो हिंदू है ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऐसे कह रहे हैं कि हम हिंदू है और गऊ हमारा धर्म है, धर्म करते नहीं है, धर्म सबका है, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो कोई हो, सबके लिए एक ही है, गऊ है हमारी माता, हमारी रोजी रोटी है। ठीक है जी, ठीक, हमारा काम इनके लिए चलता है, जो रोटी खाते थे यही खाती है, अगर ये ना इनका पेट ना भरेगा तो हमको पेट नहीं भरेगा। कई जो भ्रांति है जो मुस्लिम लोगों के प्रति, लोगों की गौ माता के प्रति आस्था नहीं होती, आपके जो मुस्लिम लोग हैं उनके गौ माता के प्रति आस्था नहीं होती, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ गाय चरा रहे हैं ना, हरियाणा पंजाब में कहीं गाय चरा रहे हैं, ठीक है जी, तो और कोई नहीं है, सिर्फ मुसलमान ही चरा रहे हैं, ठीक है, उनको बुरा क्यों कहे? कोई हिंदू देखा है आपने? हिंदू कोई नहीं चराता है, सिर्फ मुसलमान ही चराते हैं, जितने है ना मुसलमान चराते हैं, हमारे धर्म है ये पुण्य है, गौ सबके लिए एक होती है जी जी, पर हमको ये कह देते हैं तुम मुसलमान हो, तुम्हारे तो कोई गाय चराते नहीं है, जितने मुसलमान है तो गाय चराते हैं जी जी, सारे हमारा ये रोजी रोटी है, हमारा काम है जी जी जी, इसलिए। और हिंदू कोई नहीं चरा, हिंदू तो बस मुंह के कहते हैं कि यह गऊ है, गऊ है, उन्होंने कभी चारा डाला, कुछ रोटी दी, अच्छा गऊ सले वाली कोई आ जाती है गाड़ी उसको दे देती है थोड़ा बहुत, ऐसे कोई किसी ने दिया कुछ नहीं दिया, नहीं ऐसे कुछ ना दे, अगर कुछ ना दे पर आत्मा में होनी चाहिए गऊ है, चरने दे, चरते ये खाली खेत पड़ा है तो चरने दे। ठीक है जी, ठीक है, तो गौ माता जिस पौधे को खाती है वो मतलब कि ना कि खत्म होता है कि उसको न्यूट्रिशन वैल्यू और ज्यादा मिलती है, जिस पौधे को खा लेती है गौ माता उसको न्यूट्रिशन वैल्यू और ज्यादा मिलती है, मिलती है। ठीक ठीक है जी, ठीक है,
बहुत बढ़िया जी। तो भाई साहब, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।